आज मैं फ्राई राइस बनाऊंगी। उसके लिए हमने चावल लिया है, चावल हमने बासमती नहीं लिया है, चावल जो हम घर पे रोज़ पकाते हैं ना वही, बस वही चावल लिया है, क्योंकि सबके घर में ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा वो चावल रहे। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे घर में कुछ खाने का मन करता है तो सामान नहीं रहता है, तो आप प्रॉब्लम छोड़िए, आप घर के चावल से बनाइए एकदम बढ़िया और नए तरीके से फ्राई राइस। तो हमने चावल लिया, आप अपने सदस्य के अनुसार ले सकते हैं। तो हमने इधर एक कटोरी चावल लिया है, अब इसको हम धुल करके इसको धुल लेंगे। देखिए हमने चावल को साफ़ कर लिया, आप जैसे चावल बनाते हो ना बिल्कुल आपको वैसे ही रखना है। पहले हमने कुकर में पानी रखा है, अब चावल को इसी में ऐड करके 2 सीटी का वेट करेंगे। चावल के साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तेल ऐड कर देंगे, घी हो या तेल हो ऐड कर सकते हैं, जिससे चावल चिपके ना। मंचूरियन बनाने के लिए हमने पत्ता गोभी लिया है, अब इसको कद्दूकस कर लेंगे। फाइनली हमने कद्दूकस कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको टेढ़ा करके रख देंगे, जिससे सारा पानी निकल जाए इसका। तो नमक इसमें ऐड कर देंगे हम, चावल में भी थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे अपने स्वाद के अनुसार। ये देखिए जैसे ही हमने नमक लगा के रखा, पानी निकलना अपने आप शुरू हो गया है। तो इसको थोड़ी देर रख देते हैं पानी निकलने के लिए, जिससे अच्छे से पानी निकल जाए। ये देखिए 5 मिनट हमने रखा, इतना सारा पानी निकल गया। जैसे जैसे पानी निकल जाएगा पानी को हम अलग कर देंगे। फाइनली पानी निकल चुका है, पर अभी भी इसमें थोड़ा बहुत रह गया, तो उसको हाथों में लेकर ऐसे हम दोनों हाथों से दबा देंगे, तो जिससे जो पानी बचा इसमें सारा आराम से निकल जाए। ये देखिए तो एक बर्तन में पानी इसका निचोड़ देंगे, अलग कर देंगे। फाइनली इसका हमने पानी निचोड़ लिया है, अब साथ ही हम लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार करेंगे। जी लहसुन अदरक का पेस्ट हम तैयार कर लिया है, अब इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम लेंगे 1 कटोरी मैदा, हमने आधा रोट लिया है, आधा रोट हम पूरा नहीं ऐड करेंगे, आधा ऐड कर देंगे और आधा बचा कर रख लेंगे। ये देखिए आधा हमने बचा लिया ना, इसको साइड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। आप चाहे तो लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, तीखा आपको अपने अकॉर्डिंग में रखना है, कि जितना आपको पसंद है उस हिसाब से रख लीजिए। हमने लिए जीरा, इसको भी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथों से मैश कर देंगे। जब आपको सूखा लगे ना तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए सूखा लग रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। नमक नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमने गोभी में पहले से ही नमक ऐड कर रखा था ना, अगर आप डाल दोगे दोबारा ना तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको हम गोला गोला छोटे छोटे ले करके गोला गोला कर लेंगे। आपको जिस शेप में रखना हो रख लीजिए, कोई गोले गोले में बनाता है, तो कोई जैसे मिठाई होती है घर में छोटे छोटे करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा, ये देखिए वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। और छोटे छोटे पीस रख लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे पीस दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वैसे सारे तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए कुछ गोलियाँ हमने तैयार कर लिए हैं, चलते हैं कढ़ाई की तरफ। गर्म हो गया है, अब इसमें हम सारी गोलियाँ इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए हमने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, अब इसको हम थोड़ा पलट देंगे। ये देखिए हमने इसको उलट पलट कर इधर उधर कर दिया है, जिससे दोनों तरफ अच्छे से पक जाए। जब तक मंचूरियन हमारा पक रहा ना, तब तक हम दूसरी सॉफ्टिंग तैयार कर लेते हैं। तब तक हम थोड़ी सी सब्जियां कट कर लेते हैं, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। मंचूरियन हमारा पक चुका है, अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। कढ़ाई में ज़्यादा तेल था हमने निकाल लिया, अब डालेंगे अपना जीरा, साथ ही ऐड करेंगे इसमें प्याज। प्याज के साथ साथ हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज होने तक इसको थोड़ा सा इधर उधर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने पत्ता गोभी को चाकू के सारे थोड़ा बड़े बड़े साइज में कट कर लिए हैं। अब इसको हम बारीक करने के लिए एक गिलास लेंगे, अब इसे बारीक कर लेंगे, इसे दबा दबा के अच्छे से बारीक हो जाएगा। ये देखिए हमने इसे बारीक कर लिया, आप इसे और बारीक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब इसको हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे, और आप शिमला मिर्ची भी पत्ते गोभी के साथ ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा कलर चेंज होने तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा मेल्ट हो गया है ना, अब इसमें डालेंगे अजीनोमोटो 1/2 चम्मच, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, साथ ही हमने 1 चम्मच ले लिया है सोया सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया ना,
एक दूसरी सॉफ्टी क्या करते हैं, हमने एक कटोरी पानी ले लिया है, इसको एक बड़े बर्तन में सबसे पहले ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी हमने इसे पत्ता गोभी इसको मैश किया था, बैटर तैयार किया था वही है। अब इसमें अपना पानी रख लेंगे, साथ ही इसमें रखेंगे 2 चम्मच के बराबर आरा रोट, इसके घोल तैयार करने हैं, और साथ इसमें खाने वाला कलर भी ऐड करेंगे। ये देखिए अब इसका घोल तैयार कर लेना है, अगर पानी कम लगे ना पानी और भी ऐड कर लेना क्योंकि इसका घोल तैयार करना है। देखिए घोल हमारा तैयार हो गया, अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ, कढ़ाई में हम ये घोल अपना ऐड कर देंगे। ये देखिए पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, कटोरी से हमने पहले पानी लिया था उसी कटोरी से कटोरी पानी और इसी में ऐड कर दिए। अब इसको 5 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, नमक हमें थोड़ा सा ही ऐड करना है, अगर आपको कम लगे तो बाद में फिर ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पत्ता गोभी का जो बैटर तैयार किया था ना उसमें भी नमक ऐड किया था। ये देखिए इतने ढेर सारे मंचूरियन हमने तैयार कर लिए हैं, आपको इस शेप में रखना तो इस शेप में रख लीजिए, ऐसे रखना तो ऐसे रख लीजिए। इसको हमने अभी इमिडिएटली खाने के लिए बनाया है, और इसको तो मंचूरियन में बना के खाएंगे। आप इसे वैसे ही खाओगे ना बिना रस में घोले, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, यकीन करिए। तो चलती थी उसमें कढ़ाई की तरफ, ये देखिए 102 उबाल आ गया है। अब इसमें हम अपना जो मंचूरियन तैयार किए ना पत्ता गोभी का पकौड़ी, सारा अपना पकौड़ी इसी में हम ऐड कर देंगे। ये देखिए फाइनली हमारा मंचूरियन तैयार हो गया है, अब गर्मा गर्म सर्व करिए, अपने घर वालों को तारीफें दीजिए। ये देखिए है ना, इसको पहले 2 मिनट ढक कर रख देंगे जिससे जूस हमारा अंदर तक रिजर्व हो जाए, खाने में अच्छा लगे, महक इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए फाइनली हमारा मंचूरियन तैयार हो गया, अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले गैस बंद कर देना है और एक बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए हमने ट्रांसफ़र कर दिया है ना, सुंदर बाजार जैसा दिख रहा है, खाने में भी बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट है। देखिए फ्राइड राइस के लिए चावल हमने पका लिया है, अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तब तक हम दूसरी सॉफ्टिंग तैयार कर लेते हैं। हमने कढ़ाई में तेल रखा गर्म होने के लिए, अब इसमें डालेंगे जीरा, प्याज ऐड कर देंगे, प्याज के साथ साथ हरी मिर्च भी, और इसको कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज और मिर्च का कलर चेंज हो गया है, इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, साथ ही शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे, और इसको भी थोड़ा मेल्ट होने देंगे, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। पत्ता गोभी शिमला मिर्च के साथ साथ हरी मटर भी ऐड कर देंगे, हरी मटर आप चाहे तो चावल पकाते समय भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है, इसमें डालेंगे अजीनोमोटो, चावल में थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे जिससे दिखने में अच्छा लगे, बहुत ही प्यारा कलर आएगा, थोड़ा सा हमने खाने का कलर ऐड कर दिया है। ये देखिए पत्ता गोभी शिमला मिर्च मेल्ट हो गए, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस हमने डाला, 1 चम्मच के बराबर हम इसमें डालेंगे विनेगर, साथ ही इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे। तो आपने चावल में पहले ही नमक डाला था ना, तब हम इसमें थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, आप अगर कम है तो बाद में दे सकते हैं। अब जो हमने मंचूरियन थोड़े से तैयार किए हैं ना, इसको भी कढ़ाई में ऐड कर देंगे। हमने थोड़ा सा अलग से निकाल लिया था, इसको तल के अब इसको फ्राई भी कर मिला देंगे, इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देते हैं। हमने चावल में कलर ऐड किया ना, उसको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे हाथों से। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है, पूरे चावल में नहीं मिक्स करना है। ये देखिए कहीं कहीं हमने छोड़ दिया है, तो कहीं लाल कहीं सफ़ेद दिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए हमने पूरे में ऐड नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ, अब इसको कढ़ाई में ऐड कर देंगे। ये देखिए सारे चावल इसी में ऐड करके फ्राई कर लेंगे हम, को और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब मार्केट जैसी फ्राइड राइस हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जब भी जी आए खाने का ना बस फटाफट घर में बनाओ खाओ भैया, अपने घर में खिलाओ भी सबको। फाइनली मंचूरियन हमारा तैयार हो गया है, अब इसको एक बर्तन में निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्राइड राइस मंचूरियन हमारा तैयार है, तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, और पसंद आए तो मेरी रेसिपी को
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो चलते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।